नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बालक की अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। पिछली बार यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पता किया जाता है। तो देखिए, पहला है डिसकैलकुलिया गणितीय अक्षमता है। जिनको गणितीय समस्याएं होती हैं उन्हें डिसकैलकुलिया, उनको क्या डिसकैलकुलिया। इसको आप कैसे याद करोगे? यहाँ ये क्या है, कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में होती है। आप आराम से याद कर सकते हो, कैलकुलेशन गणित में, ठीक है। यानी कि जिसको गणित संबंधी समस्या होती है उन्हें हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, कैलकुलेशन गणित में। दूसरा है दोस्तों डिसग्राफिया लिखने की अक्षमताएं। जिनको लिखने संबंधित समस्याएं होती हैं उन्हें हम डिसग्राफिया कहते हैं। देखो भैया, जानते हो आप, ग्राफ लिखा जाता है कॉपी पर, ग्राफ लिखा जाता है क्या लिखा जाता है? ग्राफ लिखा जाता है। तो लिखने संबंधी समस्याएं जो होती हैं उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। अब जब बच्चा इसमें लिखता है तो वो बी को डी लिख देता है, या शब्दों को एक पंक्ति में नहीं लिख पाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, ग्राफ लिखा जाता है। उसके बाद में डिसलेक्सिया, इसमें को ये होता है पढ़ने की अक्षमताएं। जिन्हें पढ़ने की समस्याएं होती हैं उन्हें हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ शब्द आ रहा है एक लैक माने झील। मैं तेरी झील सी आंखों को पढ़ लेता हूँ, मैं तेरी झील सी आंखों को पढ़ लेता हूँ। तो डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। इसमें बच्चा क्या होता है, आपको आग पड़ता है, लड़की को लकड़ी पड़ता है और बाज को सौ पड़ता है। जो आपने तारे जमीन पे पिक्चर देखी होगी तो बाज को सौ पड़ता है। उसके बाद में है डिसप्रैक्सिया। तो डिसप्रैक्सिया इसमें क्या होता है, गणित की भी समस्या होती है, लिखने की भी समस्या होती है, पढ़ने की भी समस्या होती है। तो गणना, लिखने, पढ़ने की अक्षमताएं, इनको हम क्या कहते हैं, डिसप्रैक्सिया। इसको आप कैसे याद करोगे, प्रैक्स शब्द आ रहा है इसमें, प्रैक्स एक्सप्रैक्स। जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो सबको ले जाती है, प्रैक्स एक्सप्रेस ट्रेन सबको ले जाती है। तो भैया, गणित की भी समस्या, लिखने की भी समस्या और पढ़ने की समस्या, तो सारी समस्या किससे, इसको क्या कहेंगे, डिसप्रैक्सिया। एक्सप्रेस ट्रेन है, सबको लेके जा रही है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अफेज्या, इसमें क्या है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता या विचार व्यक्त ना कर पाए या भाषा संप्रेषण ना कर पाए या शब्दों का गलत उच्चारण। अब इसको आप कैसे याद करोगे, अफेज्या अफेयर। मैं उस लड़की से, एक लड़की है उससे अफेयर करना चाहता हूँ, अफेयर करना चाहता हूँ पर मौखिक रूप से नहीं कह पाता या विचार व्यक्त नहीं कर पाता या भाषा संप्रेषण नहीं कर पाता या मेरा शब्दों का गलत उच्चारण है, इसलिए मैं मौखिक रूप से नहीं बता पा रहा, मैं परंतु उससे अफेयर चाहता हूँ। अफेज्या अफेयर, मौखिक रूप से नहीं बता पा रहा क्योंकि
मेरे शब्दों का उच्चारण गलत है, मैं भाषा संप्रेषण नहीं कर पाता, मैं हकलाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, मुझे समस्या है, इसलिए मौखिक रूप से कैसे बताऊँ, मौखिक रूप से बताऊँगा तो अफेयर नहीं होगा। उसके बाद में डिस्फेज्या, डिस्फेज्या जो अफेयर था, फेज्या फेयर था, अफेज्या जो अफेयर था वो डिसमिस हो गया। डिस्फेज्या फेयर अफेज्या यानी कि जो अफेयर था वो डिसमिस हो गया। जब किसी आदमी का, जब किसी व्यक्ति का अफेयर डिसमिस होता है, समाप्त होता है, तो वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है, किसी से बोलता नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, मानसिक रूप से डिस्फेज्या डिसमिस हो गया अफेयर। उसके बाद में दोस्तों डिसमोर्फिया, इसमें एक शब्द आ रहा है मोर, मोर माने अधिक। कुछ लोगों में आदत होती है स्वयं को अधिक बताते हैं, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, या मुझ पर, या मेरे पास उससे ज़्यादा अधिक धन है, या मेरे हाथ पैर उससे लंबे हैं, मतलब उनको एक बीमारी होती है कि बढ़ चढ़ के बताते हैं। मोर, मोर माने अधिक, स्वयं को अधिक बताना, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्थीमिया। देखो दोस्तों ये जो डिस्थीमिया है, यहाँ एक शब्द आ रहा थीम, थीम, हम सभी लोग थीम बनाते हैं अपने कैरियर के लिए, किसी को कैरियर की चिंता है, किसी को एग्जाम की चिंता है, किसी को व्यवसाय की चिंता है, किसी को समाज में चिंता है, किसी को परिवार में चिंता है, मतलब सभी को होता है, थोड़ा बहुत सभी को होता है थीम, हम थीम, सभी थीम बनाते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए थीम बना रहा है, कोई अपने लिए बना रहा है, एक और ये जो है थोड़ा थोड़ा सभी में होता है, तो डिस्थीमिया। उसके बाद है दोस्तों बुलिमिया, इसमें क्या होता है, खाने से संबंधित ज्ञान नहीं होता है, मतलब बच्चे का खाने खाकर पेट भर गया, उसके बाद भी खाए जा रहा है, तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें खाने से संबंधित ज्ञान नहीं होता, पेट भर गया फिर भी खाए जाते हैं, तो आप इसको कैसे याद करोगे, मियाँ जी को बुलाओ, बच्चे को आकर समझा दें खाना ज़्यादा ना खाए। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा, अधिगम अक्षमता, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं फिर एक बार रिकॉल किए देता हूँ, कैलकुलिया कैलकुलेशन गणित में होती है, ग्राफ लिखा जाता है, लेक माने झील, पढ़ना, मैं तुम्हारी झील सी आंखों को पढ़ लेता हूँ, प्रेक्सिया एक्सप्रेशन सबको ले जाती है, तो गणित की भी समस्या, लिखने की भी समस्या, पढ़ने की भी समस्या, अफेज्या मैं अफेयर चाहता हूँ एक लड़की से, परंतु मौखिक रूप से कह नहीं पा रहा क्योंकि मैं विचार व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है, मेरा भाषा संप्रेषण ठीक नहीं है, मैं हकलाता हूँ, तुतलाता हूँ, कह नहीं पा रहा, इस तरह से याद कर सकते हैं। डिस्फेज्या जो अफेयर था वो डिसमिस हो गया, तो डिसमिस हो गया तो मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त, मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है व्यक्ति। डिसमोर्फिया मोर माने अधिक, स्वयं को अधिक बताना। डिसथीमिया हर व्यक्ति की एक थीम होती है और ये थोड़ा बहुत सभी को होता है। उसके बाद में बुलिमिया, बच्चे का खाने से पेट भर गया फिर भी खाना खाया जाता है, तो मियाँ जी को बुलाओ, बच्चे को समझा जाए ताकि वो ज़्यादा खाना ना खाए। मैं दोस्तों एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको, एक बात और रह गई थी पीछे वीडियो में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो क्योंकि ये लर्निंग अधिगम संबंधित वीडियो समाप्त हो रही है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा यहीं दिए देता हूँ। देखो होता क्या है, मैं आपसे पीछे वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि थंडाइक की, पावलाव की, स्किनर की, तो जो मैंने आपसे पीछे वीडियो में चर्चा की थी
आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं वो कभी-कभी कि व्यवहारवादियों के नाम। तो दोस्तों, व्यवहारवादी कौन है? थोंडाइक, पावलाव, स्किनर। तो तीनों के तीनों व्यवहारवादी हैं, थांडाइक, पावलाव और स्किनर। क्योंकि थांडाइक ने बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन किया था, पावलाव ने कुत्ते के व्यवहार में, स्किनर ने चूहे और कबूतर के व्यवहार में। अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप इन तीनों में से जो भी एक नाम होगा एक ही, तो वही आपका उत्तर होगा। एक बात और है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो कभी कभी, व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो व्यवहार का जो सिद्धांत था वो वाटसन ने दिया। कैसे याद करोगे? वैसे व्यवहार वैसे वाटसन, वैसे व्यवहार वैसे वाटसन। तो व्यवहार का सिद्धांत दिया तो वाटसन ने था, और ये तीनों के तीनों तो व्यवहारवादी थे, उनको फॉलो करते थे, उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे। एक वाटसन ने यहाँ एक परिभाषा कह सकते हैं, एक बात कही थी। वाटसन जो थे ये बहुत बड़े व्यवहारवादी थे, वो सॉरी व्यवहार परिवर्तन, इन्होंने व्यवहार का सिद्धांत दिया था। एक्चुअल में होता है क्या, इनका एक बेटा था 11 साल का, अल्बर्ट। तो वाटसन का जो बेटा था अल्बर्ट, वो एक खरगोश से बहुत प्यार करता था। उसका एक खरगोश था पास में, उसके साथ खेलता था। तो एक दिन वाटसन ने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे का व्यवहार चेंज होता है या नहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया, जब इनका बेटा खरगोश के साथ खेल रहा था, तो इन्होंने उसी समय एक बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाली जिससे कि बच्चा डर गया। अब होता यह है, जो बच्चा खरगोश से प्यार करता था वो बच्चा अब खरगोश से दूर भागने लगा, यानी कि खरगोश से डरने लगा। तो वाटसन, ऐसे बहुत सारे इनके प्रयोग हैं जिन्होंने व्यवहार मतलब के बारे में बताया, इन्होंने व्यवहार बदले, कैसे चेंज होते हैं। वाटसन ने एक बात कही थी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप मुझे नवजात दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, चोर, डकैत, जो चाहूँगा वो बना दूंगा। तो क्वेश्चन मतलब इसी तरह से आया था, आप मुझे नवजात दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, चोर, डकैत, जो चाहूँगा वो बना दूंगा। ये किसने कहा? ये वाटसन ने ही कहा था।